सानू भी इस गल का बड़ा हिरख है कि कपड़े के उत्ते जी एस टी वापस लै लिया गया, फुटवेयर से जी एस टी वापस नहीं लिया गया। ये भी साढ़े जी फुटवेयर व्यापारियों के बहुत ज़्यादा रोस है कि ये जरा मतराई माल आतरा किया गया, नहीं करना चाहिए। जिहड़ा गरीब आदमी है जिसनों अपनी रोटी का लाला पिया होया है, वह बंदा अगर महंगी जुत्ती पाने की स्थिति च नहीं है तो उस दे उत्ते असी नजायज़ जिहड़ा जी एस टी वधा के अगर टैक्स लगा के चीज़ की कॉस्ट नूं वधा देंगे तो उसकी पहुँच तो कम बाहर हो जाएगा। साडा ट्रेड जिहड़ा अगे ही बहुत औखी घड़ी निकलता पिया है, कुछ रॉ मटीरियल करके भी सानू ये परेशानी झेलनी पै रही है। उस तो अलावा इन्होंने जो टैक्स वधाता जिन्हों 5 से 12% कर दिता गया, वो कोई घट टैक्स नहीं लाया गया, बहुत ज़्यादा लाया गया। अरुण जेटली जी ने यह गल कही सी भी हवाई चप्पल हवाई जहाज आप जो है वह नहीं मिल सकते। सरकार को सोचना चाहिए कि एक पास यही गरीबों लिए कई स्कीमों का ऐलान कर रहे हैं, दिन उत्थे ही जड़ियां स्कीमों का ऐलान करते पे हो तो नाल ही गरीब नूं मारन दा भी तुहां कम फड़िया है। तो साडा जिहड़ा पक्ष है सेंटर जी एस टी कमेटी की बैठक के साडे पक्ष के फैसला अपना भेजा जाए कि 12% या 5% टैक्स लगा के ही व्यापार नूं आपां चला सकते हैं, व्यापारियों का भला कर सकते हैं, आम लोगों का भला कर सकते हैं। वो करोना की मार ने साडे व्यापार नूं इन्ना कुछ खत्म कर दिता है, उस तो बाद जदों जी एस टी वधीए जी एस टी वधन करके साडे लोगों के माल जिहड़े ने अंदर डंप पए ने। हर तरह के नाल विरोध प्रदर्शन करांगे, चाहे उहदे पासे सानूं सरकारी क्षेत्र घराव करना पवे, मंत्रियों घराव करना पवे, सानू सड़कों के उत्ते जाम लगाना पवे, असी अपनी जान लगा के भी अपने जिहड़े जी एस टी वापस 5% का लियावांगे। सो साडे नाल व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद है, किवें देखते हो कि सरकार लो जो की है जिवें 5% तो जी एस टी वधा के 12% कर दिता, व्यापारी तो पहले ही परेशान है। इस तरह है कि यह परेशानी की वजह है कि अज सानू ये जी एस टी पाउन ला के मंग पत्र देना पै रहा है। ये साडा ट्रेड जिहड़ा अगे ही बहुत औखी घड़ी निकलता पिया है, कुछ रॉ मटीरियल करके भी सानू ये परेशानी झेलनी पै रही है। उस तो अलावा इन्होंने जो टैक्स वधाता जिन्हों 5 से 12% कर दिता गया, वो कोई घट टैक्स नहीं लाया गया, बहुत ज़्यादा लाया गया। सरकार को सोचना चाहिए कि एक पास यही गरीबों लिए कई स्कीमों का ऐलान कर रहे हैं, दिन उत्थे ही जड़ियां स्कीमों का ऐलान करते पे हो तो नाल ही गरीब नूं मारन दा भी तुहां कम फड़िया है। सरकार को इस तरह नहीं चाहिए कि गरीबों के पैरों की जुत्ती लैनी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए। व्यापारी तो पहले जो नोटबंदी आई थी, नोटबंदी के बहुत परेशान हुए, काफ़ी लॉस होया, करोना का समा आया, करोना के भी जिमें सारिया मार्केटा बंद कर दी, लॉकडाउन लग गया, उस चीज़ में भी लैके काफ़ी परेशान से दोबारा ये चीज़ गल इस तरह कि करोना के टाइम तो ही अजे तक साडा व्यापार उभर नहीं सकिया, और करोना की मार ने साडे व्यापार नूं इन्ना कुछ खत्म कर दिता है। उस तो बाद जदों जी एस टी वधीए जी एस टी वधन करके साडे लोगों के माल जिहड़े ने अंदर डंप पए ने, थले वेख्या जाए सही जो गल है कि जिहड़ा थला तबका है उहदी परचेज करन दी खरीद करन दी जिहड़ी है ना कपैसिटी खत्म हो जाती है, उस को बेचारे को अपने घर चलाने वास्ते पैसे है नहीं, वो जुत्तियों वास्ते पैसे कितों खर्च करेगा। जेकर उत्ते ज़्यादा खर्च करने बैणगे तो वह बेचारा अपने घर के बच्चों को रोटी कितों खवाएगा। हुण व्यापार का की माहौल है मार्केट के? मार्केट के यह है कि जिहड़ा साडा एक टोटल साल के एक क्वार्टर हुंदा अक्तूबर नवंबर समझ जिहनूं असीं पीक का सीजन कहिंदे आ, वह पीक का सीजन भी साडा जिहड़ा वह इस बार मेरा ख्याल है ये कह लीए कि ना तो बराबर गया। जे दोबारा ये नहीं रद्द होंदा अगली रणनीति तो जो इंडिया लैवल से एक आल ओवर इंडिया लैवल से फुटवेयर की एक एसोसीएशन बनी है, जो पंजाब की एसोसीएशन ने जां साडी लोकल जो जॉइंट अही मीटिंग की है जिदे साडे फुटवेयर वाले शू मेकर वाले रिटेल वाले ने उन्होंने सारे ने रल के जो सलाह होएगी उहदे बारे ही अगला कदम उठावांगे। इस तो पहले यही जो जी एस टी सी कपड़ा व्यापारियों के उत्ते भी वधाई गई सी, उन्हों का कहना सी कि असी अपनियां दुकानां बंद करके मोदी साहब नूं चाबियां दे देंगे, नाल ही थोड़े चिरां बाद उन्होंने ये चीज़ वापस लै ली, पर उही जी एस टी वधा के शूज़ व्यापारियों उत्ते। सानू भी इस गल का बड़ा हिरख है कि कपड़े के उत्ते जी एस टी वापस लै लिया गया, फुटवेयर से जी एस टी वापस नहीं लिया गया। ये भी साढ़े जी फुटवेयर व्यापारियों के बहुत ज़्यादा रोस है कि ये जरा मतराई माल आतरा किया गया, नहीं करना चाहिए। साइन टीवी के फिर सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं रवि गिल। अक्सर ही पंजाब धरने लगते आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग में लै लो,
उस चीज़ नूं लै के हुण पहले जिवें कि 12% तो वधा के जो GST 12% कर दिता गया सी, कपड़ा व्यापारी उस चीज़ नूं लै के धरने प्रदर्शन दिते सीगे। थोड़े समय के बाद ही वह जो कि वापस लै लिया गया, जिहदे विच कि कपड़ा व्यापारियों तो जो 12% का टैक्स सीगा वह हटा दिता गया, पर वह जो टैक्स सीगा वह हुण शूज़ व्यापारियों के उत्ते लग चुका है। सारे शूज़ व्यापारी GST भवन में घेर के बैठे हुए हैं, तो अंदर GST भवन के समूह धरना लगाया गया है कि होलसेल शूज़ मार्केट एसोसीएशन वालों अपने सारे मैंबरों को लेकर जलंधर GST दफ्तर के धरना लगाया गया। उन्होंने कहना है कि जिहड़ा GST 5% तो वधा के 12% किया है, उसके नाल व्यापारी वर्ग के काफ़ी खुश है, क्योंकि व्यापारी वर्ग ही सरकार टैक्स का पैसा बहुत ज़्यादा देंगे ने। सरकार तक जो टैक्स का पैसा पहुँचता है वो सारा व्यापारियों वालों जाता है, उस चीज़ में लैके उन्होंने रोष है। सो व्यापारी वर्ग के मैंबरां दे नाल गलबात करांगे कि उन्हां दा की कहना है इस चीज़ दे उत्ते। सो शू मार्केट के प्रधान साढ़े नाल मौजूद उन्हां नाल गलबात करदे आ। हांडा साहब, किवें देखदे हो कि पहले करोना की मार झेली, नोटबंदी की मार झेली, हुण GST 5% तो वधा के 12% कर दित्ती गई? मैं तुहाडी जानकारी वास्ते विशे देना चाहना, जिस दिन GST लग्गिया सी असीं अपना पक्ष रखिया सी वी जिहड़ी जुत्ती है वह एक इनिशियल जरूरत है किसी गरीब आदमी की भी, किसी शाहूकार की भी। जिहड़ा गरीब आदमी है जिसनों अपनी रोटी का लाला पिया होया है, वह बंदा अगर महंगी जुत्ती पाने की स्थिति च नहीं है तो उस दे उत्ते असी नजायज़ जिहड़ा GST वधा के अगर टैक्स लगा के चीज़ की कॉस्ट नूं वधा देंगे तो उसकी पहुँच तो कम बाहर हो जाएगा। तो इस करके साड़ी गल मंदिया होया साढ़े आदरणीय अरुण जेटली जी ने यह गल कही सी भी हवाई चप्पल हवाई जहाज के नाल आपां जिहड़ा है वह नहीं मिल सकते। तो इस करके हवाई चप्पल या आम फुटवेयर जिहड़ा भी गरीब आदमी पाने वाला है, नॉर्मल बंदे पाने वाला है, उसका जिहड़ा GST का रेट 5% ही रखा जाए ताकि आम बंदा उसनू अपनी वो पकड़ जा सके, और उस जो मैनुफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न है और रिटेलर है, वह परेशानी च ना आन। तो इस करके असी साढ़े आदरणीय मनप्रीत बादल जी पंजाब के जिहड़े वित्त मंत्री है उन्होंने भी प्रार्थना करेंगे भी अपनी जिहड़ी वोट है साढ़े पक्ष के सेंटर GST कमेटी तक भेजन ताकि जिहड़ा है GST 12% तो दोबारा 5% आ सके। सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। किवें देखदे हो कि पहले तो महंगाई नूं लैके आम पब्लिक उदां ही बहुत ज़्यादा परेशान है, उत्तों करोना की मार नूं लैके व्यापारी वर्ग भी परेशान है, जिवें पहले कपड़ा व्यापारियों के उत्ते लगाया गया सी यही टैक्स वापस ले लिया गया, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहना है कि जे ये जो भी है कानून जे वापस नहीं लेंदे, जिहड़ा GST टैक्स वधाया जे वापस नहीं लेंदे असीं तां अपनियां मार्केटां नूं ताले ला के मोदी साहब नूं चाबियां दे दांगे। ऐसा है कि देखो व्यापारी बहुत ही शांति प्रिय है, व्यापारी ने अज तक कोई भी प्रदर्शन किया शांति प्रिय ढंग नाल किया है। व्यापारी हर तरह के नाल सरकार की जिहड़ी जिन्नियां भी जरूरत है टैक्स दे के उन्हों पूरा करता है, और असी चाहते हैं भी साड़ी गल नूं प्रॉपर ढंग दे नाल केंद्रीय जिहड़ी GST कमीशन है उस तक साड़ी गल पहुँचाई जाए, क्योंकि ये हर स्टेट का एक दायित्व बनता है व्यापारी वर्ग की गल रखन दा। साड़ी जिहड़ी फुटवेयर की जिहड़ी मंग है आम तौर पर जिते ने वित्त मंत्री स्टेटा दे उन्होंने सेंटर GST कमेटी नूं नहीं भेजिया सही ढंग दे नाल, तो साडा जिहड़ा पक्ष है सेंटर GST कमेटी की बैठक के साडे पक्ष के फैसला अपना भेजा जाए कि 12% या 5% टैक्स लगा के ही व्यापार नूं आपां चला सकते हैं, व्यापारियों का भला कर सकते हैं, आम लोगों का भला कर सकते हैं। तो मैं प्रार्थना करांगा पंजाब सरकार के वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत बादल जी अगे जिसलै नैक्सट जी मीटिंग होगी उस दे अंदर ये एजेंडे दे शामिल करवाण, क्योंकि ये एजेंडे शामिल नहीं हो ऐसे एजेंडे GST साडा फुटवेयर इस करके इतने फैसला नहीं हो सकता, नहीं होंदा ते अगली रणनीति। और अगर ये साढ़े खिलाफ जिहड़ा लगाया गया टैक्स वापस नहीं होंदा तो असीं हर तरह के नाल विरोध प्रदर्शन करांगे, चाहे उहदे पासे सानूं सरकारी खेत्रां घराव करना पवे, मंत्रियां घराव करना पवे, सानूं सड़कां दे उत्ते जाम लगाना पवे, असीं अपनी जान लगा के भी अपने जिहड़े GST नूं वापस 5% दा लियावांगे। धन्यवाद। सो बिल्कुल जिवें गलबात की शू मार्केट एसोसीएशन के प्रधान हांडा साहब ने, उन्हां दा कहना है कि जे ये टैक्स 12% तो घटा के 5% तक नहीं किया जाता तो असी वड्डे पद्धर दे उत्ते जो सरकार दे खिलाफ नारेबाजी करांगे, सड़कां नूं जाम करांगे, सारे व्यापारी वर्ग दे एसोसीएशनां दे नाल गलबात करके
जे हल निकलता तो ठीक है, जे नहीं निकलता तो लंबा प्रदर्शन किया जाएगा। जलंधर तो कैमरामैन शुभम गिल दे नाल रवि गिल दी रिपोर्ट। संतान प्राप्ति, कारोबार विच काटा, विदेश यात्रा विच देरी, पति पत्नी विच कलेश, पढ़ाई विच मन ना लगना, प्रेम व्यास सिरे ना चढ़ना, कोर्ट कचहरियां दे चक्करां दी परेशानी तो मुक्ति लई पहुंचो मियां बशीर खान जी कोल। एक बार फोन जरूर करो, तुहाडा एक फोन बदल सकता है तुहाडी जिंदगी। प्यार विच धोखा खाण वाले प्रेमी प्रेमिका भी एक बार जरूर संपर्क करन। हुण सुपने देखना छड्डो, ए सब मुसीबतां जां ख्वाहिशां नूं पूरा करन लई चुको कदम। फोन नंबर 9915043150।